मधुचंद्र की पहली रात, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। शादी का जब मौसम होता है तो उसके वो मौसम में जब बहुत लोग मेरे क्लिनिक में आते हैं, 8-10 लोग और लड़का लड़की, तो मुझे समझ में आता है कि उससे भी गड़बड़ हो गई इनके घर में शादी के बाद। जैसे एक दिन मैं बैठा हुआ था तो कम से कम 12-15 लोग, एक लड़का और लड़की लेके मेरे चेंबर में आए। उनका यह कहना था, लड़के वालों का, कि ये लड़का आदमी में नहीं। और लड़के का कहना था कि मैं बराबर हूं, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं आदमी में हूं और मुझे सेक्सुअली कोई प्रॉब्लम नहीं। वो आए थे कि भाई इनको टेस्ट करो और टेस्ट करके बताओ कि भाई वो आदमी में है कि नहीं, सही है कि नहीं। तो मैंने सब तपास लिया और उसमें कुछ भी मुझे ऐसा कोई बीमारी दिखी नहीं कि भाई लड़के में कोई बीमारी है। फिर मैंने सब लोगों को बाहर भेजा, क्योंकि लड़के वाले बोल रहे थे कि लड़का आदमी में नहीं है, लड़के वाले बोल रहे थे कि आदमी में है, और वो इतना हो चुका था कि बस अभी हम लड़के लेकर वापस जाएंगे और ये शादी टूट जाए, मतलब यहां तक आ गया। फिर सबको मैंने बाहर भेजा और बाहर भेज के दोनों को बिठाया, उनसे बातचीत किया। फिर मैंने ये उनको समझाया कि भाई आप देखो कि शादी हो गई है, शादी के बाद में पहले दिन ही, मतलब शादी जिस दिन हुई उस दिन ही उनका रात में उनका मधुचंद्र होने वाला था, मतलब पहला कॉन्टेक्ट, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट होने वाला था। अब देखो होता क्या है कि शादी के पहले 2-4 दिन से वो धूमधाम रहती है घर में, दोनों तरफ नींद बराबर होती नहीं, खाना पीना बराबर नहीं, ज्यादा उल्टा खा लेते हैं, और फिर शादी के दिन भी बहुत सारे फेरे लोग आना जाना, रिसेप्शन, ये होने के बाद भी इतनी थकान आती है, और फिर रात को उनका यदि पहला समागम होने वाला है तो उस दिन रात को क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसने परफॉर्म करना चाहिए, उसने समागम करना चाहिए, संभोग करना चाहिए, क्या एक्सपेक्ट, कैसा क्या एक्सपेक्ट करेंगे। और होता क्या है कि लड़की के दिमाग में एक उस तभी एक चित्र रहता है, और पहली रात कैसी होना चाहिए उसके बारे में भी काफी सारी कहानियां उन्होंने सुनी रहती है, वीडियो देखे रहते हैं, तो वो एक्सपेक्ट करती है कि आज की रात जो है वो मेरी सक्सेसफुल होना चाहिए। लड़के ने भी ये सुन लिया रहता है, कहीं ना कहीं दोस्तों ने सुन लिया रहता है, और उन्होंने भी सुन लिया था कि नहीं नहीं पहली जो रात रहती है वो रात तो सक्सेसफुल होना ही चाहिए, और पहले रात में कम से कम 4 बार 5 बार 8 बार वो कार्यक्रम होना चाहिए। अभी जब थके हुए है, फिजिकली थके हुए है, दिमाग में टेंशन है, लड़की अपना घर दार छोड़ के ये नए घर में आई हुई है, सब नए लोग है, उसको कहीं अनुभव नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई कॉन्टेक्ट पहले हुआ नहीं है, लड़का भी समझो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, उसको मालूम नहीं कि क्या है क्या नहीं, तो ऐसे इसमें हमने क्या एक्सपेक्ट करना कि वे उनका सक्सेसफुल समागम हो जाए। वो जब कमरे में जाते हैं तो लड़की डरी हुई रहती है, उसको मालूम नहीं कि क्या होने वाला है, लड़के को मालूम नहीं क्या होने वाला है, और उसमें फिर उनका कॉन्टेक्ट जो है, पहला जो परफॉर्मेंस है, पहला जो समागम है, वो सक्सेसफुल होता नहीं। अब जब सवेरे जब लड़की वाले उनको उनकी सहेलियां पूछती है उसका अनुभव क्या हुआ, तो बोलती नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर वो सब तरह वो न्यूज फैल जाती है। फिर लड़का भी अपने दोस्तों से पूछता है, वो बोलती कि नहीं नहीं मैंने तो 4 बार किया, कोई बोलता मैंने 8 बार किया, बोलता मैंने 1 बार भी नहीं किया, तो उसको प्रॉब्लम आ जाता है, मतलब अपने में कुछ तो भी कमी है। फिर सेकंड नाइट को जब वो सांस में आते हैं फिर से, तो भी दिमाग में क्या रहता है कि मैं कल रात को कर नहीं सका, अभी पता नहीं आज कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा, और फिर दिमाग में टेंशन है, वो लड़की का प्रेशर है, उसको मालूम नहीं क्या होने वाला है, लड़की ने पहले सहेलियों को बताया हुआ है, लड़के ने भी अपने दोस्तों को बताया हुआ है। अब ये वातावरण में यदि वो सेकंड नाइट को साथ में सोते हैं तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उसमें क्या होगा, उसमें भी वो फेल हो जाता है। जितनी ज्यादा कोशिश करेंगे जिसमें में काठरता लाने की, इरेक्शन लाने की, उतना ज्यादा वो फेल होते जाता है, और बाद में सवेरे तक वो कोशिश करके करते उनको मालूम पड़ता है कि अभी मैं काम भी नहीं रहा और मेरे से होता है। लड़की भी सब तरह बता देती है और फिर उनका प्रॉब्लम चालू हो जाता है। अभी वो दोनों को मैंने सामने बिठाया, उनको बताया कि देखो, वो लड़की जो बोली कि नहीं नहीं आज की रात यदि जमा नहीं ना तो मैं चले जाऊंगी, बस आखिरी का आज का मैं चांस देती हूँ। मैंने पहले उसको बताया कि आप ऐसा टेंशन देंगे लड़के को तो बिल्कुल होने वाला नहीं, मैंने तपास लिया है उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ है, क्योंकि टेंशन सेक्स आने के लिए, इरेक्शन आने के लिए, शिश्न में ताटरता आने के लिए जरूरी क्या है, यहाँ रिलैक्स होना जरूरी है, यहाँ जितना रिलैक्स रहेगा दिमाग में उतना नीचे
टेंशन ज्यादा अच्छा है। आप यदि प्रेशर देंगे, बंदूक लगाएंगे कि चलो आज करना है, तो ऐसा होता नहीं है। वो अपने मन में नहीं है कि जब चाहे तब इरेक्शन आ जाएगा शिश्न में, जब चाहे तब नहीं आएगा। उसका वातावरण होना, रिलैक्स वातावरण होना, गपशप करना, मतलब मैं तो उल्टा बोलता हूँ कि शादी के बाद में कम से कम 2 दिन 3 दिन 4 दिन सेक्स मत करो, पहले एक दूसरे को पहचानो, बातचीत करो, मिलजुल के रहो, ताकि आप जब साथ में रहेंगे, मिलजुल के बैठेंगे, बातचीत करेंगे, एक दूसरे को समझ लेंगे, तो क्या होता है कि रिलैक्स वातावरण रहेगा और फिर धीरे 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 उनका सेक्स होते जाएगा। लड़की को मैंने बोला कि यदि आपकी इच्छा है कि नहीं नहीं ये मेरी मैरिज, ये मेरी शादी सक्सेसफुल होना चाहिए, तो आपको दिमाग में शांति रखनी पड़ेगी। ऐसा प्रेशर डाल के होगा नहीं। मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि इसमें कोई कमजोरी नहीं, ये कमजोरी सिर्फ कहां से आई हुई है, दिमाग से प्रेशर डाल के, लोड डाल के। तो क्या आप तैयार है शांति से आराम से काम करने के लिए? बोले आते हैं, मतलब बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो फिर आप अभी जाओ, पहले अभी 2-4 दिन तो आपने सेक्स करने, सिर्फ आप में, आपने रात में साथ में सोना, गपशप करना, कहीं लगे तो घूमने चले जाओ, वहां भी आपने कुछ सेक्स करने का नहीं, पहले किसी को समझ लो, टेंशन दिमाग का निकालो, उसके बाद में यदि आप बाद में समागम करते संभोग करते तो सक्सेसफुल रहेंगे। क्योंकि और लोगों में गलत फहमी क्या है कि जब शादी के बाद में कुछ लोग मेरे तरफ आते हैं, बोलते कि नहीं नहीं वो लड़की कुछ चिल्लाई नहीं चिखनी, मतलब लोगों में दिमाग मतलब गलतफहमी ऐसी रहती है कि जो पर्दा रहता है हाइमेन जिसको बोलते हैं, वो पहले रात में फट जाना चाहिए, और वो फट गया तो खून आता है और उसको तकलीफ होना चाहिए। यदि उसको तकलीफ नहीं रही, इसका मतलब वो हाइमेन पहले फट गया था, पहले फट गया था शादी के पहले, और शादी के पहले फट गया था मतलब इसका पहले कहीं कभी कॉन्टेक्ट आया हुआ था, मतलब ये पहले से एक्सपीरियंस है, अनुभव तजुर्बा है, और इसलिए फिर गलत फहमी होगी, फिर और प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। मैं उनको ये भी बता दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है कि खून आना चाहिए पहले रात को या उसको तकलीफ होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। जब लड़कियां, कुछ लड़कियां साइकिल चलाने वाली रहती है या कोई खिलाड़ी रहती है, तो उनका भी हाइमेन जो है पर्दा फट सकता है वैसे, तो खून आना भी जरूरी नहीं है और पर्दा इंटैक्ट रहना वो भी जरूरी नहीं है। सिर्फ ये मालूम होना चाहिए, एजुकेशन, ये शिक्षा होनी चाहिए कि वो जो भी है वो बराबर है, उसमें कोई नहीं है कि नहीं नहीं इसका मतलब इसका कोई संपर्क आया हुआ है। तो ये गलत फहमी है जी निकाले दिमाग में से, दोनों ने, लड़कियों ने, लड़के ने, और शांति से काम लिया तो मुझे, मैंने उसको बताया कि मुझे पक्का विश्वास है कि आपकी शादी सक्सेसफुल हो जाएगी। तो इसमें आप मतलब घर जाओ, शांति से रहो, रिलैक्स रहो, ऐसा बोलकर उनको रवाना कर दिया। एक 8-15 दिन के बाद में दोनों भी मेरे पास में आए और उन्होंने बताया कि नहीं एकदम उनका सक्सेसफुल हो गया कॉन्टैक्ट और उनमें कुछ भी प्रॉब्लम आया नहीं। उसने देखी बताया लड़के ने कि मैंने दिमाग में शांति रखी, और लड़के ने भी देखा कि मेरे को परफॉर्म करना ही है कंपल्सरी, ये भी मैंने निकाल दिया दिमाग में से। दोनों ने पहले वादा किया था कि अभी हम एक दूसरे से अलग होंगे नहीं। लड़की ने बोला मैं यहीं रहूं, जब आप में कोई प्रॉब्लम नहीं, फॉल्ट नहीं, डॉक्टर ने बताया मैं यहाँ रहने वाली हूँ, मैं जाने वाली नहीं। जब लड़की ने उसको ये आश्वस्त किया कि मैं यहीं रहने वाली हूँ, छोड़ के जाने वाली नहीं हूँ, तो लड़का भी एकदम रिलैक्स हो गया और उनका कॉन्टैक्ट हो गया, अभी उनका बराबर लाइफ, सेक्सुअल लाइफ चालू हो गया। तो आप इसे शेयर करो ताकि कितनी सारी शादियां टूट जाती है इसके वजह से, गलत फहमी की वजह से टूटेंगी। और आप ये जो है मेरा वीडियो यूट्यूब का, वो भी आप सब्सक्राइब करो, साथ में शेयर करो, मेरे फेसबुक के ऊपर आप काफी सारी जानकारी मिल जाएंगी, फेसबुक को लाइक करो, शेयर करो, और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है, वहां भी आप जाके देख सकते हैं। इसमें मेरा आनंदी वैवाहिक जीवन किताब है, तो ये किताब यदि आप पढ़ते हैं, ये मराठी का किताब है, और ये आप यदि किताब पढ़ते हैं तो इसमें काफी सारी जानकारी आपको मिल सकती है। तो ये किताब आपको उपलब्ध है, हमारे पते पे आप पूछ सकते हैं और हरी जानकारी के लिए कभी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बाय। अभी मैं आपको नपुंसकत्व, साइकोजेनिक इंपोर्टेंस, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इसके बारे में बताने वाला। एक लड़का मेरे चैंबर में रात को
8:30-9 बजे वो तो डरते आए। बोले मैं आपको मतलब मिलना चाहता था, काफी दिन से 2-4 दिन से मैं चक्रा काट रहा हूँ, अभी आज मिल रहा हूँ। तो पूछा क्या हुआ? बोले मेरी शादी 1 महीना पहले हुई और अभी तक मैं एक बार भी सक्सेसफुल नहीं हुआ संभोग करने में, समागम करने में एक बार भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है बैठो, उसको बिठाया, उसे पूरी जानकारी ले ली और जानकारी लेके जब तपास लिया मुझे पता लगा कि भाई इसमें कोई शारीरिक कोई इसमें कमी नहीं है। जो कमी थी मतलब जो उसका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन था, इरेक्शन नहीं हो रहा था, शिश्न में ताटरता नहीं आ रही थी, माना टेंशन नहीं आ रहा था, उसकी वजह उसका दिमाग है। तो उसको तपास किया, उसको मैंने काउंसिलिंग किया, तो उसके बारे में आपको बताता हूं कि भाई ये है क्या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या इम्पोर्टेंस या साइकोजेनिक इम्पोर्टेंस या नपुंसकत्व। जिनको शिश्न में टेंशन नहीं आता है ना, तो उसको नपुंसकत्व बोलते, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या साइकोजेनिक इम्पोर्टेंस बोलते। 40 साल के पहले यदि वो वैसा होता है पहली बार, 40 साल के पहले उम्र के 40 साल के पहले, तो वो दिमाग के मतलब सोच की वजह से या मन की वजह से हो सकता है। और 40 साल के बाद में यदि कोई मेरे पास व्यक्ति आता है तो मैंने ये देखना चाहिए कि भाई ये जो नपुंसकत्व उसको आया हुआ है इसका कोई शारीरिक मतलब बदन को कोई कारण है। तो 40 साल के पहले होता है तो मन का कारण, मोटा मोटा सा हिसाब मैं आपको देता हूं, और 40 साल के बाद में यदि होता है तो शरीर का कारण। अभी मन के कारण क्या होते कि भाई जिसकी वजह से उसको शिश्न में टेंशन नहीं आता, इसमें क्या कारण हो सकते? तो एक तो होता है कि जैसा पहले नाइट में वो अनसक्सेसफुल हुआ करके उसको टेंशन आ गया, तो पहला नाइट में अनसक्सेसफुल होना, फिर मास्टरबेशन की आदत है, हस्तमैथुन की आदत है और वो आदत से उसको दिमाग में पक्का बैठा है कि अपन कमजोर हुए हैं, या सपने में उसका मतलब सपनावस्था हो रही है और वेट ड्रीम्स उसको आ रहे हैं और उसके वजह से उसको नपुंसकत्व आ सकता है, या फिर वो कहीं वेश्या के पास में जाता है और वहां जाने के बाद में टेंशन की वजह से दिमाग में तनाव आने की वजह से वो कर नहीं पाता और उसको वो कुछ तो भी कमेंट पास कर देती है कि तू आदमी में नहीं है, और फिर वहां से उसको दिमाग में टेंशन आता है। तो ऐसे कुछ दिमाग में टेंशन आने की वजह से या एक आधी बार कहीं कॉन्टेक्ट आया वहां फेल होने की वजह से, फिर उसको ये हो जाता कि नहीं अपन अभी काम के नहीं रहे और अपन अभी खुद पुरुष नहीं है या मैं आदमी में नहीं हूं, ऐसा उसको एक बार दिमाग में आ गया तो फिर प्रॉब्लम आ जाता है। वैसे कभी कभी क्या होता है कि सेक्स करने के समय यदि बच्चे एक ही कमरे में सोए और सेक्स करने के समय कोई बच्चा उड़ गया, उसको एकदम दिमाग में आता है और वो उसका टेंशन निकल जाता है और वहां से उसको फिर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। फिर वैसे ही सेक्स करने के समय बाहर से कोई अंदर आया, घंटी बज गई, उठना पड़ा, या काफी लोगों के घर में प्राइवेसी नहीं रहती, एक ही कमरे में बीच में पर्दा रहता है और वो सेक्स करते हैं और उसमें फिर बच्चे उठ जाते हैं या फिर मतलब माँ बाप रहते हैं घर में वो उठ जाते हैं, ऐसा कुछ सभी होने के कारण उनको अलग होना पड़ता है और उसकी वजह से भी फिर बाद में सेक्स में मतलब होता नहीं है और टेंशन आता नहीं। तो ऐसे काफी सारे कारण है मानसिक रूप से कि जो जिसकी वजह से दिमाग में मतलब ऐसा घुस जाता है, एक विश्वास हो जाता है कि अभी अपन काम के नहीं रहे और फिर वहां से वो विशेष साइकिल में आया था कि अभी मैं इतना पुरुष में नहीं हूं, मैंने पौरुषत्व खत्म कर दिया है, फिर वो औरत के पास में जाता है और वो टेंशन लेके जब जाता है तो वहां फेल होता है, फेल होने के बाद में फिर उसका पूरा विश्वास जाता है कि अभी मैं आदमी में नहीं हूं, मतलब ऐसा वो विशेष साइकिल में चले जाता है। तो ये 40 साल के पहले की मतलब अवस्था है। 40 साल के बाद में जो लोग आते हैं पहली बार, उनमें हो सकता है कि कुछ ना कुछ शारीरिक बीमारी हो जाए, मतलब ऐसा पिट्यूटरी ट्यूमर रहता है, दिमाग में जो ग्रंथि रहती है उसका ट्यूमर है, या उनको कोई डायबिटीज हुआ है, या रीढ़ की हड्डी में कुछ बीमारी हुई है, शुगर की बीमारी, जैसे मैंने डायबिटीज होना शुगर की बीमारी होती है, काफी शुगर बढ़ी हुई उसकी वजह से जो है वो टेंशन नहीं आता है, फिर ब्लड प्रेशर उच्च रक्तदाब, तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से वो होता है, या हाई ब्लड प्रेशर की दवाई लेने से भी नपुंसकत्व आ सकता है। नपुंसकत्व जो आता है वो मतलब जो टेंशन आता है शिश्न में वो आता कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें होता क्या है कि जैसा दिमाग में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट जब आता है दिमाग में मन में, तो सेक्सुअल एक्साइटमेंट आने के बाद में यहां से जो नर्व जाती है और वो शिश्न की तरफ जाती है, वहां भी उसको एक्साइटमेंट आता है और वहां होता क्या है
कि ब्लड वेसल जो है तो वो ब्लड वेसल काफी फुल जाती है। ब्लड वेसल फुलने के बाद में कम से कम आधा पाव से लेके एक पाव खून शिश्न में प्रवेश करता है, उसमें एंट्री लेता है और वो बड़ा हो जाता है शिश्न। आधा पाव से एक पाव मतलब 150 ml से लेकर 250 ml तक मतलब उसमें खून अंदर घुसता है, वो बड़ा हो जाता है। अभी दिमाग में टेंशन है तो स्टिमुलेशन पीछे से जाएगा नहीं, या फिर मतलब जो खून की जो नलिका है उसमें कोई वो आकुंचन उसने पाया हुआ है या छोटी हुई है तो उसकी वजह से खून जाएगा नहीं शिश्न में और वहां से फिर उसको टेंशन आएगा नहीं, या फिर पीठ के हड्डी में मतलब कोई रीढ़ की हड्डी है उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से फिर खून जा नहीं रहा है, या नर्व्स को मतलब नर्व्स को सिमुलेशन पास ऑन नहीं करती है और उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे अनेक का मतलब काफी कारण है कि बदन की मतलब बीमारी से उसकी वजह से तो वो फिर टेंशन आना बंद हो जाता है। तो ऐसा कुछ कुछ लोगों को ऐसा मेरे पास में आते हैं कि भाई मतलब वो आते कैसे कि अभी मैं कर नहीं सकता हूँ, नपुंसकत्व है, ऐसा प्रेजेंटेशन आता है कि मैं नपुंसकत्व हूँ आया हुआ है और मैं कर नहीं सकता हूँ। मतलब जब हम हिस्ट्री लेते तो मालूम पड़ता है कि वो रात में एक बार कर सकता है और दूसरी बार नहीं कर सकता। अभी कुछ लोगों को जितनी उतनी भूख है एक बार करने की, फिर दूसरी बार कैसे करेगा? नंबर वो सोचता है कि नहीं मेरे दोस्त जो है वो कोई चार बार कर सकता है रात में, कोई पांच बार कर सकता है तो मैं एक बार कर सकता, और वो टेंशन से फिर वो एक तो जो है वो भी निकल जाता टेंशन शिश्न का, या फिर उसके लिए आता कि नहीं एक बार कर सकता हूं मगर बार बार नहीं कर सकता। उल्टा औरतों में औरत कितने भी बार सेक्स कर सकती है क्योंकि उसको करना कुछ भी नहीं है, उसको कोई टेंशन लाने का नहीं है या कोई शिश्न बड़ा करने का नहीं है, तो वो औरत कितने भी बार कर सकती है। मगर उसको ऐसा लगता है कि नहीं मैं यदि मेरी औरत को दो बार या चार बार संपर्क ना करूं तो वो समाधान उसको सुख नहीं मिलेगा और फिर उसका कहीं कॉन्टेक्ट बाहर आ जाएगा, इसकी वजह से दिमाग में टेंशन आके फिर जो है वो भी निकल जाता है। तो ऐसे इस तरह की जो बीमारी है उसका भी इलाज मतलब देखना पड़ता है कि भाई क्या इलाज है, मतलब क्या क्या बीमारी है, कि भाई कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से ये टेंशन निकल गया, ब्रेन की बीमारी है या खून की जो मतलब खून की जो वेसल्स है ना तो उसमें कोई बीमारी है, नर्व्स की बीमारी है कि मन की बीमारी है कि जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। हम अक्सर इसका इलाज करने के लिए मियां बीवी पति पत्नी दोनों को बुलाता हूं मैं और दोनों को बुला के उनको काउंसिलिंग करता हूं कि भाई उनके मन में है क्या, कहां रुक गए, हुआ क्या, किसकी वजह से ऐसा हुआ, तो उनके जो मतलब मन में गलत फहमियां है वो निकालना है और जो भी कोई कारण है मानसिक रूप से वो कारण दूर करना पड़ता है, और कारण दूर कर दिया तो फिर वो अच्छे हो जाते हैं। कभी कभी उनको जो मतलब बीमारी है समझो कोई डायबिटीज शुगर है या ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो उसका भी इलाज फिर ठीक ढंग से करना पड़ता है और वो इलाज किया तो फिर वो ठीक हो जाता है। कुछ लोग शराब पीते हैं और शराब पीने की वजह से उनको परफॉर्मेंस जमता नहीं, मतलब ऐसा बोला जाता है कि अल्कोहल इंक्रीजेस द डिजायर बट टेक्स अवे द परफॉर्मेंस। शराब से क्या होता है कि इच्छा बहुत ज्यादा होती है मगर काम नहीं कर सकते, काम पूर्ति नहीं होती, काम नहीं कर सकते, इरेक्शन नहीं होता, तो वो भी हम बोलते कि नहीं पहले शराब छोड़ो, तंबाकू की आदत छोड़ो, सिगरेट छोड़ो, शुगर कंट्रोल में लाओ, ब्लड प्रेशर की दवाई जो बदल के देखो, ऐसे ये कारण दूर करना पड़ता है। पति पत्नी को साथ में लेकर बैठ के उनको काउंसिलिंग श्री मास्टर ऑल्सो जॉनसन मास्टर एंड जॉनसन टेक्निक करके है, वो टेक्निक से उनको हम काउंसिलिंग करते हैं। इसमें कुछ दवाइयां भी है, मतलब इसको यदि चिंता है तो मतलब टेंशन चिंता कम करने की दवाई देते हैं, यदि उसको डिप्रेशन है निराशा हताश हो गया और डिप्रेशन की वजह से उसको नपुंसकत्व आया हुआ है तो डिप्रेशन का इलाज करना पड़ेगा। फिर उसको कोई गोलियां लेता है मानसिक बीमारियां जो है उसकी गोलियां खा रहा है या ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहा है तो गोलियां बदल के देना पड़ता है, तो या शुगर है तो शुगर की गोलियां बदल के दो या शुगर कंट्रोल में लाओ। कुछ कुछ ऐसी दवाई है कि जो दवाई देने के बाद में अभी सिल्डेनाफिल अभी जो आई हुई दवाई है बाजार में मार्केट में जो है वायग्रा के नाम से भी वो जानी जाती है, तो वो सिल्डेनाफिल जो गोली है उसके वजह से काफी सारा मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, शिश्न में टेंशन आ जाता है। और उसके लिए भी ऐसा नहीं है कि वो गोली खाया तो हो जाएगा, उसके लिए भी गोली खाने के बाद में फोर प्ले करना, कामो क्रीड़ा करना, एक दूसरे को स्टिमुलेट करना जरूरी है तभी शिश्न में टेंशन आए, तो वो भी दवा हम देते हैं। या फिर
शिश्न में पेपेवरिन का इंजेक्शन देते हैं, वैसा डायबिटीज का जैसा इंजेक्शन रहता है वैसा पेपेवरिन का इंजेक्शन देते हैं, छोटा सा रहता है, चीटी काटती है उतना दर्द हो जाता है, और वो इंजेक्शन दिया तो शिश्न में टेंशन आता है तो भी लेकर उसका इलाज हो सकता है। ऐसे काफी सारे मतलब यह है, बाजार में ऐसी कोई भी दवा नहीं है कि जो लिया एक गोली लिया दो गोली लिया और एकदम प्रॉब्लम सॉल्व हो, ऐसी कोई भी सिक्स टॉनिक मार्केट में नहीं है, कोई दवा नहीं है, ना आयुर्वेदिक में नहीं है ना यूनानी में नहीं है। हमको बाजार में दवाई कौन सी मिल जाएगी बड़ी बड़ी, जैसा बैल का चित्र है, घोड़े का चित्र है और कोई ऐसी जाहिरात हम देखते हैं और उसमें हम फंस जाते हैं, तो ऐसा कोई भी नहीं है। जो सिल्डेन एग्री मैंने बताया, मैंने पेपेवरिन बताया और जैसा डिप्रेशन के लिए एंग्जाइटी के लिए दवाई बताई है, और फिर उसका काउंसिलिंग दोनों का करना, मियां बीवी को बुला के काउंसिलिंग करना, ये करते हैं तो काफी सारा प्रॉब्लम हल होके वो सेक्सुअल लाइफ उनका मतलब काफी हद तक 100% अच्छा हो सकता है। उनको ये समझना जरूरी है कि 17 18 20 साल की उम्र में जितनी सेक्स की इच्छा रहती है तो उतनी इच्छा नेचुरली 40 45 साल में होंगी, जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है वैसे वैसे इच्छा कम होती जाती है। तो 40 45 साल की उम्र में वो उन्हें देखना नहीं है, क्योंकि मैं जब 20 साल का था तो मैं अच्छा कर सकता था, रोज एक बार कर सकता था, अभी तो बिल्कुल नहीं कर सक रहा हूं, तो इच्छाएं कम होती जाती है। हो सकता है कि 40 45 साल की उम्र में वो हफ्ते में एक बार उसका कांटेक्ट कर सकता है, या 50 55 हो गया तो दो हफ्ते में एक बार कांटेक्ट कर सकता है, तो वो भी ध्यान देना जरूरी है। नहीं तो फिर वो लोग दिमाग में आते हैं कि नहीं अभी मैं जब कर रहा था 18-20 साल का था तो बहुत बार अच्छा हो रहा था। वो 18-20 साल की उम्र में क्या होता है कि नेचुरल भी इरेक्शन आता है, नेचुरल मतलब दिन में 2-4 बार या रात में काफी बार नेचुरल इरेक्शन आता है शिश्न में, तो वो भी हमारे पास में लोग आते हैं कि नहीं अभी है ना मैं आदमी में नहीं हूँ, तेरे को कैसा मालूम पड़ा आदमी में नहीं, तेरे तो अभी शादी हुई नहीं, तो नहीं नहीं अभी मेरा जो पहले इरेक्शन आता था पहले जो बड़ा होता था नेचुरली स्पॉन्टेनियसली वो नहीं हो रहा है, तो दिमाग में सब कुछ है 100%। शादी के पहले कोई आता है ऐसे प्रॉब्लम लेके तो 100% वो नेचुरल है, सिर्फ दिमाग में कुछ ना कुछ बिठा के रखा है, एक विश्वास गलत फहमी बिठा के रखी, इसलिए ऐसा होता है। आपको इसमें कोई जानकारी चाहिए तो आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और लोगों को इसकी जानकारी दो ताकि लोग फंसे नहीं, क्योंकि इसमें आयुर्वेद यूनानी इसमें बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट, बहुत महंगे महंगे मलम है ना, पलंग तोड़ पान, काफी सारी दवाइयां 100-100 रुपए 150-150 रुपए की एक गोली ऐसी बेची जाती है। तो मैं जो अभी बात किया तो इसका वीडियो आप लोगों को शेयर कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, फेसबुक के ऊपर काफी सारी जानकारी मैंने दी है उसको भी आप शेयर और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो, मैं आपको हस्तमैथुन मतलब मास्टरबेशन इसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। मैं शाम को मेरे क्लिनिक में बैठा हुआ था तो एक 21-22 साल का लड़का मेरे चैम्बर में धीरे से अंदर आया, बहुत ही डरा हुआ, और वो आके फिर मैंने उसको बोला बैठो, बोला कि मैं तो यहाँ 4 बार पहले आके गया मगर मेरी हिम्मत नहीं है आपसे बात करने की। मैं बोलो क्या हुआ क्या, बोले कि मुझे हस्तमैथुन करने की मतलब मास्टरबेशन करने की आदत है और उससे मैं बहुत कमजोर होते जा रहा हूं, इसलिए मैं आपके पास में आया। उसको मैंने बिठाया, उसको शांति से समझ लिया पूरा, उसको कॉन्फिडेंस दिया, आत्मविश्वास दिया कि कोई डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूं यहां बैठा हुआ, तुम बात करेंगे। उसको पूछा और तो उसने बताया कि मैं पिछले 5-6 साल से मास्टरबेशन करता हूं मतलब हस्तमैथुन करता हूं और उसके वजह से मेरा वीर्य बहुत बाहर जा रहा है रोज और उसके वजह से मुझे बहुत कमजोरी आ रही, मैं दिन ब दिन मेरा वजन कम होते जा रहा है और मुझे नर्वसनेस मतलब डिप्रेशन लगता है, इसलिए वो आए। उसको मैंने तपास लिया, पूरा चेक किया डॉपलर मशीन से, उसको तपास लिया, बाकी उसका ब्लड प्रेशर बाकी सब उसकी फिजिकल पूरी तपास कर लिया मतलब चेक कर लिया,
फिर उसको मैंने बिठाया और फिर उसको समझाया। मास्टरबेशन या हस्तमैथुन जो है वो कोई बीमारी नहीं है। हस्तमैथुन मतलब हाथ से किया हुआ मैथुन, वो हस्तमैथुन। इसके बारे में लोगों के मन में बहुत गलत फहमी है। एक्चुअली इसमें करते क्या है, करते यह है कि शिश्न जो रहता है तो शिश्न को ऐसा हाथ के ऊपर रख के और हाथ के ऐसे मुट्ठी करके उसको घर्षण करके, शिश्न का घर्षण करके, और जब घर्षण करते हैं तो उसमें मैथुन जैसा मतलब सेक्स जैसा मतलब जैसा सेक्सुअल इंटरकोर्स जो होता है, संभोग होता है, उसका जैसा आनंद उसमें मिलता है वो घर्षण से। और कुछ घर्षण, कुछ समय तक घर्षण करने के बाद में वीर्य बाहर फेंके जाते हैं। तो ये जो है ये नॉर्मल है, मगर होता क्या है कि लोगों ने पेपर में अखबार में कुछ पढ़े रहता है, कोई एडवर्टाइजमेंट में रहती है अखबार में, कोई उसने उन्होंने यूट्यूब में देखे रहता है, कोई उन्होंने आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में सुना रहता है, या कोई भुंदू वैद्य जो रहते उनके बारे में सुना रहता है, तो भाई हस्तमैथुन यह करना अच्छा नहीं। एक्चुअली हस्तमैथुन करना, मैंने उसको समझाया कि भाई हस्तमैथुन करना है नॉर्मल। जब बच्चा जो रहता है वो 12-13 साल के बाद में जब उसमें सेक्सुअल चेंजेस आते हैं, उसमें सेक्स कैरेक्टरिस्टिक जब डेवलप हो जाते हैं, वो जब पुरुष बनता है, वो जब आदमी में आता है, बड़ा होता है, मतलब हार्मोनल चेंजेस उसके बॉडी में आते हैं, तो फिर होता क्या है, जब हार्मोनल चेंज आते हैं तो उसको ऐसे मूंछ आना, दाढ़ी आना, है ना, बाकी जगह बाल आना वैसा शुरू हो जाता है, और उसको शिश्न में टेंशन भी आना शुरू होता है, मतलब शिश्न बड़ा भी होना शुरू हो जाता है, सेक्स के विचार आते रहते। अब ये जो है ये टोटली नॉर्मल अवस्था है, इसमें कोई गलत नहीं है। उसको जब सेक्स के विचार आते हैं तो नेचुरली उसका आकर्षण लड़कियों की तरफ और लड़कियों का आकर्षण लड़के की तरफ होना चालू हो जाता है। अब एक तो वो विचार जब आते हैं तो इतने विचार आते हैं कि फिर वो उसको ऐसा कुछ सोचता नहीं कि मैं कुछ करूं। जब वो हस्तमैथुन करता है, मास्टरबेशन जब करता है, तो होता क्या है कि सेक्सुअल एनर्जी जो है वो शांत हो जाती है, रिलैक्स उसको लगता है, वो काम कर सकता है। तो मैंने उसको समझाया कि हस्तमैथुन कोई पाप नहीं है, ये कोई अबनॉर्मल नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। जितने भी बार आपको करना है उतने बार आप रोज भी हस्तमैथुन कर सकते हो, उसमें कोई गलत नहीं। मगर हमारे इसमें क्या है, बताया हुआ है पुराने हमारे शास्त्रों में कि ब्रह्मचर्य जो है उसका पालन करना चाहिए। शादी के पहले इस ऐसी जैसी कोई क्रिया कर्म जो है इसमें कोई हिस्सा नहीं लेना चाहिए, अपना वीर्य बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा बताया गया है कि एक बूंद जो वीर्य का रहता है वो 80 बूंद उसके खून के बराबर का है। फिर वो सोचता है कि मैंने इतने इतने सारे बूंद, इतना सारा 1-2 ml 3 ml जो है वीर्य बाहर चले गया, और मतलब कितना खून गया, कितनी ताकत गई, और फिर वो हिसाब करता है, लगता है कि नहीं नहीं अभी मेरी ताकत रोज के रोज बाहर जा रही है। फिर अपने दोस्तों को भी पूछता है, और कहीं बाहर किताबें खरीदता वहां देखता है, और उसमें अक्सर ऐसा मालूम पड़ता है कि नहीं नहीं हस्तमैथुन करना गलत है, मास्टरबेशन करना गलत है, और उससे कमजोरी आती रहती है। फिर उसके दिमाग के ऊपर उसका असर आना चालू होता है कि मैं मास्टरबेशन कर रहा हूं, दिमाग में ऐसा विचार, सबकॉन्शियस माइंड में पक्का विचार, बिलीफ सिस्टम हो जाती है कि नहीं मैं गलत कर रहा हूं, और वो धीरे 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 फिर उसके उसका खाना पीना वो भी निकल जाता है, कम हो जाता है, उसके विचार आते रहते हैं, और उसका वजन कम होते जाता है। वजन कम होते गया कि उसको पूरा विश्वास हो जाता है कि देखो इसकी वजह से मेरा वजन कम हो रहा है, इसकी वजह से मेरे गाल अंदर चले गए, और अभी मैंने हस्तमैथुन जो कर रहा हूं ये सभी बहुत ही बुरा हो रहा है, और अभी मैं क्या करूं। कुछ लोग तो कुछ बच्चे उसके लिए खुदकुशी भी कर लेते हैं। तो इसके बारे में जानकारी देना जरूरी है कि ये टोटली नॉर्मल है। हस्तमैथुन में और जो समागम करते संभोग करते इसमें क्या फर्क है, उसमें कुछ भी नहीं। समागम जो होता है वो औरत के साथ में, लेडी के साथ में होता है, और हस्तमैथुन खुद ने करना है, खुद ने करने की प्रक्रिया है वो। तो दोनों में एक्चुअली फर्क कुछ भी नहीं है, इसमें भी घर्षण होता है, उसमें भी घर्षण होता है, इसमें भी वीर्य बाहर निकलता है, उसमें भी वीर्य बाहर निकलता है। स्त्री के साथ में जब समागम करते हैं तो वीर्य, वो भी वीर्य बाहर चले जाता है, ये भी वीर्य बाहर चले जाता है, तो इसमें कोई गलत नहीं है, ये समझना जरूरी है। अब ये हस्तमैथुन का जो सा लड़कों में हस्तमैथुन करते हैं, वैसे लड़कियां भी हस्तमैथुन करती है, मास्टरबेशन करती है। लड़कियों में भी शिश्न जो रहता है वो भी शिश्निका रहती है, छोटा सा शिश्न रहता है, और लड़कियां भी उसको स्टिमुलेट करके, उसको उसको टिंगलिंग करके, टिकलिंग करके उसको उत्तेजना आती है, और उसमें भी उसको मजा आती रहती है। तो लड़कियां भी शादी के पहले हस्तमैथुन करती है, लड़के भी करते रहते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। वीर्य कितना भी गया तो भी गलत नहीं है, और इसमें लोगों को जानकारी देना जरूरी है कि शादी के पहले यदि वो हस्तमैथुन कर दे तो उल्टा अच्छा है। क्यों?
क्योंकि जो सेक्सुअल एनर्जी जो है, वो विचार जो आते हैं, उसको बाहर जाने के लिए कम से कम एक रास्ता मिल जाए। हस्तमैथुन करने से कम वो लड़का वेश्या के पास नहीं जाएंगे, प्रोस्टिट्यूशन मतलब वो उसमें इंडल्ज होंगे, उसमें जाएंगे नहीं, क्योंकि उसको उसमें शांतता मिल जाएगी हस्तमैथुन से, तो वो भी वो करेगा नहीं। तो इसलिए हस्तमैथुन एक नॉर्मल है, नेचुरल है। मगर शादी के बाद में यदि वो हस्तमैथुन होता है और शादी के बाद में अपने पत्नी के साथ में संभोग सुख न लेते हुए उसने हस्तमैथुन करना पसंद किया, तो फिर वो एक तरह की बीमारी होती है। अगर शादी के बाद में यदि पत्नी घर में नहीं है, पत्नी को कोई बीमारी है, या पत्नी कहीं बाहर गांव निकल गई है और इसको इच्छा होती है, और वो उस समय वो हस्तमैथुन मास्टरबेशन करता है, तो वो भी नॉर्मल है। और पत्नी के साथ में सुख नहीं लेना और उसके बदले हस्तमैथुन करना, ये गलत है। क्योंकि फिर उसमें क्या होता है कि उसमें पत्नी को सुख न मिलने से फिर उसमें मतलब वो दोनों में प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो इसमें कोई दवा नहीं है, वो जो हैबिट है उसको दूर करना नहीं है, वो बीमारी नहीं है, तो ये जानकारी होना जरूरी है। इसके लिए आप हम जो सेक्सुअल एजुकेशन जो करते हैं, तो इसकी शिक्षा आप लोगों को दो, ये वीडियो लोगों के साथ में शेयर करो। अधिक जानकारी है तो हमारे फेसबुक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, या पेज के ऊपर लाइक कर सकते हैं ताकि आपको इसमें से जानकारी मिलेगी। हमारी वेबसाइट है, उसको वहां भी आप विजिट करके वहां भी आपको जानकारी मिल सकती है। सो थैंक यू वेरी मच। हेलो, मैं आपको स्वप्नावस्था, नॉक्चर्नल एमिशंस, इसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। इसमें होता क्या है, ये इसको स्वप्न दोष भी बोलते हैं, स्वप्नावस्था बोलते हैं, नॉक्चर्नल एमिशन बोलते हैं। ये अक्सर शादी के पहले होता है। इसमें होता क्या है कि देखो, अपने शरीर में, अपने बदन में रोज के रोज 12-13 साल के बाद में हर लड़के में वीर्य का तैयार होना शुरू हो जाता है। अब 12-13-14-15 जो भी उसकी उम्र होंगी, उम्र में आने की या पुरुष बनने की या एडल्ट बनने की, उसके बाद में जैसे उसको मूंछ आती है, दाढ़ी आती है, कांख में मतलब बाल आते हैं, और वो पुरुष बनना शुरू हो जाता है, हार्मोनल चेंजेस है, तो उसका आवाज बड़ा हो जाता है। तो समझना कि ये अभी जो लड़का है, लड़का ना रहे, पुरुष बन रहा है। तो अभी वीर्य तैयार होना, सीमेन तैयार होना, धातु तैयार होना शुरू हो जाता है। तो वो तैयार होना शुरू होता है, तो उसमें छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी अंदर थैलियां रहेगी, उसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल्स। तो वो अंडकोश में, वो धातु तैयार होने के बाद में वो सेमिनल वेसिकल में जाके जमा हो जाता है। वहां और 2-3 ग्रंथियां रहती है, उसका भी स्त्राव उसमें मिल जाता है। और वो स्त्राव मिलने के बाद में वो सेमिनल वेसिकल्स पूरी भर जाती है। बनने के बाद में अभी होता गया कि अभी इसका वो मतलब थैलिया भरने के बाद में जाएगा कहां। तो सपने में जब कोई ऐसे सपने आते हैं, मतलब नींद में ऐसे कोई सपने आते हैं, या कोई किसके साथ में, लड़की के साथ में है, या कोई ऐसे सपने मतलब ऐसे सेक्स के विचार आते हैं, लैंगिक विचार आते हैं, तो उसमें लिंग में ताठरता आती है, शिश्न में ताठरता आती है, टेंशन आता है, और उसमें वो धातु जो जमा रहता है, वीर्य जमा रहता है, वो बाहर निकल जाता है। इसको बोलते हैं स्वप्नावस्था। मेरे पास में एक लड़का है, 17-18 साल का होगा, और वो इतना डाउन, इतना निराश, इतना डिप्रेस था। बोले मुझे बहुत गंभीर बीमारी हुई है, रोज के रोज मेरा मतलब जीवन ऐसा लग रहा है कि एक एक दिन में कैसे बिताऊं, और मुझे लगता है कि मैं खुदकुशी करूं। तो हुआ क्या, तो उसने बताया कि मुझे करीब करीब एक दिन आड़ या 2 दिन आड़ सपने में वीर्य नाश होता है, गिरे जाते हैं। सो मैंने तपास लिया, उसका सब कुछ नॉर्मल था। फिर मैंने उसको पूरा बताना शुरू किया है कि भाई ये वीर्य तैयार होता है, वो जाएगा कहां, शादी के बाद में जो है वो समागम करने के बाद में पत्नी के साथ में वो बाहर निकलता है। यदि कोई हस्तमैथुन करता है तो हस्तमैथुन से वीर्य बाहर निकलेगा। अभी पत्नी के साथ में भी शरीर सुख नहीं लिया है, हस्तमैथुन भी नहीं किया है, तो जो जमा जो वीर्य है बदन में, और विचार जो आते हैं, तो विचार दिमाग में आना,
मन में विचार आना, सबकॉन्शियस माइंड में विचार आना और इधर थैली सेमिनर वेसिकल्स भरी हुई रहना, ये दोनों का जब एक साथ होता है तो उस समय फिर वीर्य बाहर निकल जाता है। मैंने उसको ये बताया कि भाई वीर्य का जो स्टॉक है स्टोरेज अंदर कोई कर नहीं सकता, तैयार तो रोज होता है, तो तैयार रोज होने के बाद में जाएंगा तो बाहर निकल नहीं है, तो वो नॉर्मल है। मगर उसको लोगों को ये समझता नहीं क्योंकि ब्रह्मचर्य जो है यही जीवन है, वीर्य नाश जो है ये मृत्यु है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहीं कहीं बताया गया है। ऐसा बताया जाए कि एक बूंद यदि वीर्य का हम नाश करते हैं तो 80 बूंद खून की बराबरी का वो है, इसलिए कमजोरी आती है। तो इसके लिए फिर लोगों के दिमाग में जो रहता है, फिर अखबार में भी हम कुछ कुछ जाहिरात एडवर्टाइजमेंट पढ़ते हैं, फिर कोई आयुर्वेदिक दवाई है कि आपका वीर्य नाश हुआ हो या आपको हस्तमैथुन की आदत हो तो हमारे पास में आइए, हम ये दवा देंगे वो दवा देंगे और आपको ताकत पूरी आ जाएंगी, या जवानी के जवानी में जोश आपने गमाया हुआ हो तो हमारे पास में आइए हम दवा देंगे, तो इस तरह का रहता है, इसमें कुछ करने का नहीं है। वीर्य नाश जो हो रहा है वो नॉर्मल है। ये तो कभी कभी क्या होता है कि सपने में भी होता है और कभी कभी पेशाब करने समय यूरिन करने के समय भी उसमें ये धातु जो है वो मिल सकता है, मतलब मिक्सचर हो सकता है। और कभी कभी जो वीर्य है वो यूरिन में मतलब पेशाब में यदि मिल गया तो पेशाब भी सफेद रंग की हो सकती है, उसको लगता है कि मेरे पेशाब में जा रहा है। कुछ कुछ लोगों को होता क्या है कि संडास जो है लैट्रिन वो साफ होती नहीं, तो जोर लगा के कुछ लोग लैट्रिन करते हैं। जब जोर लगा के लैट्रिन करते हैं तो अंदर जो वीर्य की थैली है उसके ऊपर उसका प्रेशर आता है, दबाव आता है, और प्रेशर या दबाव आने के बाद में वो वीर्य बाहर निकलता है। तुम तक देखो मैं संडास को बैठा हूं, लैट्रिन को बैठा हूं और उस समय मेरा वीर्य नाश हो रहा है, तो संडास जाना भी कभी कभी टाल देता है। मतलब ऐसे अलग अलग बीमारियां उसमें होती रहती है कि संडास के समय वीर्य आता है या पेशाब में वीर्य जा रहा है या सपने में वीर्य जा रहा है। तो उसको मैं जो लड़का है तो उसको मैंने पूरा समझ लिया कि भाई यदि शादी के बाद में वीर्य नाश हुआ तो उसमें कभी भी कमजोरी आती नहीं, उल्टा तो शादी के बाद में लड़के लोग मोटे होते हैं, उनका वजन बढ़ जाता है। जब पत्नी के साथ में रोज वो संभोग करता है, समागम करता है और उसमें वीर्य नाश हो रहा है, तो कोई पत्नी के अंदर में बॉडी में तो कोई जमा नहीं है, वो तो बाहर ही निकलता है। सेक्स के बाद में जब पत्नी जब बाथरूम जाती है तो वीर्य बाहर निकल जाता है, अंदर थोड़ी रहता है। तो यदि सेक्स शादी के बाद में करते हैं तो वो बुरा नहीं है, शादी के बाद में हम सेक्स करते हैं तो उससे कोई कमजोरी आती नहीं, उल्टा शादी के बाद में लोगों का वजन बढ़ता है। तो शादी के पहले यदि वीर्य नाश हुआ तो वो गलत कैसा है, मुझे समझाओ। जब उससे मैंने ऐसी बात किया तो फिर उसको भी वो समझ में आया कि नहीं नहीं ये जो है वो नॉर्मल है, सपने में वीर्य जाना ये कोई बीमारी नहीं है, हाथ से भी किया और हस्तमैथुन किया तो ये कोई बीमारी नहीं है, संडास करने के समय भी समझो वो वीर्य नाश होता है या पेशाब में जाता है तो कोई बीमारी नहीं है, तो इस तरह का वो नॉर्मल है। ऐसा लाड़ जो मुंह में आती है तो जैसा मैंने समझो कोई गरम गरम समोसा या आलू बंडा देखा और मैं बहुत भूखा हूं तो लाल जल्दी आ जाएगी, है ना, उस तरह का है। और लाल मैंने कितनी भी बार मैंने थूक दिया तभी लाल फिर रोज तैयार हो जाती है, और कितनी बार थूका तभी वो रोज तैयार हो जाती है। वैसे ही उसका अपने को मतलब स्टॉक नहीं कर सकते, जितने भी बार वो बाहर जाएगा वीर्य उतना वो नया नया तैयार हो जाता है, और उसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो मरने तक चालू रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि यदि आज निकल गया, मतलब उनको उनको कैसा लगता है दिमाग में लड़कों को कि समझो आज मेरा वीर्य जा रहा है, बहुत जा रहा है, मैं बहुत लॉस कर रहा हूँ, तो फिर आगे चल के कैसा हूँ, शादी के बाद में कैसा हूँ। तो मैंने उसको ये समझाया कि भाई आपका कितना भी वीर्य नाश हुआ तभी ऐसा कोई नहीं कि वो स्टॉक है, स्टॉक में का रोज खत्म होते जा रहा है, अभी स्टॉक खत्म हो गया तो भी क्या करें, वो उसका स्टॉक करते नहीं आता, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कभी बंद नहीं होती, नॉर्मल है। और उसमें आप कितना भी वीर्य नाश हुआ, कितने भी बार हस्तमैथुन किया तो उससे कोई होने वाला नहीं है। ऐसा जब मैंने उसको पावरफुली उसको समझा दिया, उसको आकृति निकाल के उसको बताया कि वीर्य कहाँ तैयार होता है, वहां से उसका जो सफर है वो कहाँ जाता है, वहां जाने के बाद में वो बाहर कैसे आता है, ऐसा पूरा उसको काउंसलिंग जब किया तब उसको समझ में आया और वो बहुत खुशी से मेरे यहाँ से गया। और कुछ दिन के बाद में फिर आया, बोले मेरी शादी तय हो चुकी है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मुझे विश्वास है कि शादी के बाद में भी मैं अच्छी तरह मेरा जो सेक्सुअल लाइफ है बिता पाऊंगा। सो आपको अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं या फेसबुक पेज को विजिट कर सकते हैं, मतलब उसको लाइक कर सकते हैं, या आप मतलब ये जो वीडियो है ये भी आप सब्सक्राइब करके उसको शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।
मैं भी आपको शीघ्र पतन के बारे में बताने वाला हूं, उसको प्री मैच्योर इजैकुलेशन भी बोलते हैं या अर्ली इजैकुलेशन भी बोलते हैं। तो दोनों को, पति पत्नी को, मन का समाधान नहीं मिलना, इतना प्रक्रिया मतलब नहीं मिलने, इतनी प्रक्रिया चालू नहीं रख सकते कि दोनों का समाधान नहीं हो रहा है। मतलब वीर्य स्खलन जल्दी हो जाता है तो पत्नी का समाधान होता नहीं, और वीर्य स्खलन जल्दी होता है इसलिए पुरुष का भी, आदमी का भी समाधान नहीं हो रहा है। तो जब दोनों में से किसी का भी समाधान नहीं हो रहा है समागम करने के बाद में, तो उसको बोलते हैं कि भाई वो शीघ्र पतन है, प्रीमैरिटल इजैकुलेशन। मतलब समाधान दोनों का होना जरूरी है, यदि एक का भी समाधान नहीं होता है तो समझना कि वो प्रीमैरिटल इजैकुलेशन है या शीघ्र पतन है। तो भी शीघ्र पतन मतलब और क्या है इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि संभोग करने के समय जब शिश्न का प्रवेश स्त्री के योनि में होता है तो प्रवेश होने के पहले ही वीर्य का स्त्राव हो जाना या वीर्य पतन हो जाना, वो एक हो सकता है। दूसरा, शिश्न का योनि में प्रवेश करने के तुरंत बाद वीर्य स्त्राव हो जाता है या वीर्य पतन हो जाता है, तो तुरंत मान भी हो सकता है। या समागम चालू करने के बाद में कुछ समय बाद स्त्राव हो जाता है, वीर्य पतन हो जाता है, और उसको लगता है आदमी को नहीं मेरा समाधान नहीं हुआ, और स्त्री का भी समाधान नहीं उसमें, मतलब ऐसे अलग अलग उसमें रहती है। तो उसका कोई ऐसा ये नहीं है कि भाई टाइम कितना, क्योंकि काफी लोग मेरे पास में जब आते हैं बोलते कि नहीं मैं 10 मिनट या 15 मिनट सेक्स नहीं कर सकता हूं इसलिए मेरे पास में लोग आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि 10-15 मिनट, आप 2 मिनट में भी करते हो और दोनों को यदि मन की शांति मिलती है और दोनों भी सुखी रहते, समाधान नहीं रहते वो सेक्स होने के बाद में, तो वो शीघ्र पतन नहीं है। और यदि 10 मिनट भी करते हैं और उसमें समाधान सुख शांति नहीं मिलती है तो फिर इसका मतलब वो भी फिर वीर्य पतन जल्दी हो सकता है या शीघ्र पतन हो सकता है। अब ये होता क्यों? शीघ्र पतन जो है ना उसका मतलब 101% कारण जो है वो है मन का, मतलब मन की वजह से, दिमाग में टेंशन आने की वजह से। ये हुआ कैसे? एक तरह की हैबिट है। क्यों हुआ? होता क्या है कि शादी के पहले यदि लड़का कहीं वेश्या के पास में जाता है, कोई अपने प्रेमिका के पास में जाता है, कोई लड़की के पास में जाता है, और वहां जल्दी जल्दी में संभोग करने की कोशिश करता है, तो होता है कि उसको जल्दी दिमाग से मतलब मन से आदेश निकलते हैं शिश्न तक कि जल्दी फेंको और जल्दी फ्री हो जाओ। या फिर खेत में जाते हैं किसान, और वहां खेत में कहीं झोपड़ी में या जो फसल रहती है उसमें या कहीं भी उनको जहां भी चांस मिला वहां कर लेते हैं, या नाले के बाजू में या नदी के बाजू, मतलब कहीं भी जहां चांस मिला वहां कर लेते हैं, तो वहां भी जल्दी जल्दी करने की इच्छा हो जाती है और वहां फिर शीघ्र पतन हो जाता है। और बार बार एक बार मतलब 2-4 बार ऐसा हुआ तो उसकी आदत लग जाती है। कभी होता क्या है कि घर में प्राइवेसी नहीं मिलती, लड़के मतलब छोटा घर है, लड़के लड़कियां बाहर है, वो आ जाएंगे करके जल्दी काम कर लेना, या फिर कोई घर में वो उड़ जाएगा इसलिए जल्दी कर लेना, मतलब ऐसी जल्दी करने के आदेश दिमाग से जब निकलते हैं और वो आदेश जब शिश्न तक चले जाते हैं तो वो शीघ्र पतन हो जाता है। कभी ऐसा होता है कि मतलब बच्चे घर में सोए, एक ही कमरे में सोए, और उनको मतलब ऐसा लगता है कि वो जाग जाएंगे या पूरे सोए कि नहीं मालूम नहीं है, और उठने में जल्दी कर लेने का। कभी कभी लोग रात को बच्चे जल्दी सोते नहीं तो फिर सुबह उठ के करते, और सुबह उठ के करते तो फिर वही है कि बच्चे जाग जाएंगे तो जल्दी कर लो। तो इस तरह का जहां भी जल्दी करने का है, जैसा वेश्या के पास में जाते हैं तो वहां डर रहता है पुलिस आ जाएंगी या कोई पकड़ लेगा, कोई देख लेगा, तो उसके बोले जल्दी निकल जाओ यहां से करके, या जो वेश्या है उसको बोलती कि जल्दी कर, और वो टेंशन दे देगी, उसको तो कोई इंटरेस्ट रहता नहीं, उसको इंटरेस्ट रहता है पैसे कमाने में, तो उसको कोई लंबा चलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, उसका ये रहता है कि जल्दी कर लो और जल्दी फ्री हो जाओ और पैसा ले लो। ऐसे काफी सारे कारण जब होते हैं कि काम वासना तो बहुत ज्यादा आ जाती है, टेंशन आ जाता है और फिर जल्दी फेंक जाता है। इसमें यह भी होता है कि शादी के बाद में तुरंत बाद यदि पहला कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और यदि पहले मतलब बहुत दिन के बाद में यदि मतलब वो सेक्स कर रहा है, या पहला कुछ भी कभी सेक्स किया नहीं है, या पहले मास्टरबेशन हस्तमैथुन भी किया नहीं है, तो शादी के कुछ दिन तक जल्दी गिर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारी ऊर्जा रहती है, सेक्सुअल एनर्जी रहती है, और शादी के बाद में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है,
और एक्साइटमेंट से शादी के तुरंत बाद कुछ दिन तक जल्दी वीर्यपात हो जाता है, वो भी नॉर्मल है। मगर वो जल्दी वीर्यपात होने से होता क्या है कि उसके पत्नी को समाधान नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता, फिर वो चिड़चिड़ करती है। तो उसके लिए जरूरी क्या है, उसके जरूरी है कि पहले काम क्रीड़ा करो, पहले बहुत फोर प्ले करो, खेलो, और बाद में फिर सेक्स करो, ताकि पत्नी को समाधान मिल जाए। पत्नी को समाधान मिलने के लिए एक्चुअली शिश्न का योनि में प्रवेश होना जरूरी नहीं, क्योंकि स्त्री को समाधान सिर्फ जो शिश्निका जो रहती है, मतलब आदमी को जैसा शिश्न रहता है वैसे स्त्री को शिश्निका रहती है। वो शिश्निका को यदि वो उद्दीपित करता है, उत्तेजित करता है, तो उसको समागम इतना, संभोग इतना आनंद मिल जाता है। तो स्त्री को आनंद शिश्निका के उद्दीपन से मिलता है। अंदर शिश्न मतलब शिश्निका योनि में प्रवेश जाने से होता ही है, और ज्यादा उसको आनंद शिश्निका के घर्षण से या शिश्निका को मतलब स्टिम्युलेट करने से, टिकलिंग करने से मिलता है। तो पहले वो काम क्रीड़ा करते शिश्निका को, उसको मतलब स्टिम्युलेट करते और बाद में फिर संभोग करते, तो स्त्री भी मतलब उसकी पत्नी भी, उसको भी शांति मिलेगी, समाधान होगा और उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो शादी के बाद में कुछ समय तक हो सकता है ऐसा। तो इसका इलाज क्या है ये जो करते हैं, तो इसका इलाज है मास्टर एंड जॉनसन करके जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो टेक्निक निकाला वो टेक्निक से इनका इलाज करना, मानसोपचार। तो हम दोनों को भी बुलाता हूँ, पति पत्नी को बुलाता हूँ, और वो जो टेक्निक है कि जो टेक्निक में एक दिया है कि फीमेल सुपीरियर पोजीशन, अभी मैं यहां तो पूरा बता नहीं सकूंगा, जब वो आते हैं तब वो बताते कि पहले जैसा हम रूटीन कैसा करते हैं, मेल सुपीरियर को मतलब पुरुष ऊपर स्त्री नीचे, तो हम वो मास्टर जॉनसन में हम उनको सिखाते पहले फीमेल सुपीरियर पोजीशन, फिर लैटरल पोजीशन एंड देन मेल सुपीरियर पोजीशन, मतलब इसमें वो संभव करना उनको सिखाते, उनको टीचिंग देते हैं, काउंसलिंग करते हैं, मानसोपचार करते हैं, उनका जो गलत फेमी है वो निकालते हैं कि शुरू कैसे हुआ और हैबिट कैसे लग गई शीघ्र पतन की, उसके लिए कुछ दवाई भी है, मतलब ऐसे सारा करके जो दवाइयां है, तो ऐसे सारा फ्लॉक्सिटिन है या सर्ट्रालिन नाम की जो गोली है, ऐसी कुछ दवाइयां हैं कि जो दवाई लेने से जो शीघ्र पतन जो है वो काफी समय तक मतलब लंबा सकते हैं और उससे भी उनको आराम बढ़ता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं मेरा शीघ्र पतन हो गया तभी मेरा समझो पहली बार हुआ तो फिर ठीक है, दूसरी बार तो मैं करूंगा तो फिर उसमें मैं बराबर कर सकूंगा, बराबर है। एक बार हो गया उसमें जल्दी हो गया, फिर दूसरी बार उसको टेंशन आने को टाइम लगता है, मगर शीघ्र पतन जल्दी होता नहीं। तो फिर ऐसी कुछ दवाइयां हैं कि जिसका असर 24 घंटे से 36 घंटे चलता है, टाडाला फिल नाम, तो वो दवाई उसको वीकेंड पिल बोलते हैं, वीकेंड टैबलेट, मतलब उसका एक गोली लिया उसकी 20 मिलीग्राम की, तो उसका इफेक्ट दो दिन तक 36 घंटे चलता है, तो फिर वो सेकंड टाइम भी वो चांस ले सकता है समागम करने का। और फिर होता क्या है कि सेकंड टाइम उसका जल्दी गिरेगा और उसमें फिर दोनों को आनंद मिल सकता है, संतुष्टि मिल सकती है, तो उनको वो बोलते हैं। या फिर कुछ शादी के तुरंत बाद जब कुछ कपल मेरे पास में आते, पति पत्नी आते हैं, तो उनको मैं बोलता हूँ कि ठीक है पहले ऐसा करो, सम्मन आने के 2-3 घंटे पहले मास्टरबेशन करो, तो ताकि जो आपकी एनर्जी है, जो ऊर्जा है, जो एक्साइटमेंट है वो थोड़ा कम हो जाएगा, और फिर बाद में आपने संभव करो समागम करने, ताकि फिर वो सेकंड जो है 2-3 घंटे या 4 घंटे बाद में उसमें जल्दी गिरेगा नहीं। फिर एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ गया, आपने मास्टरबेशन करने की जरूरत नहीं है, फिर डायरेक्टली आप कर सकते हैं। मास्टर जॉनसन का टेक्निक जो आपने बताया, मैंने आपको जो बताया, उसमें स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक है, स्पिस टेक्निक है, स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक है, तो ऐसे अलग अलग टेक्निक है जिसकी वजह से दोनों को भी समागम में आनंद मिल सकता है और बीमारी अच्छी हो सकती है। इसमें ऐसी कोई पक्की दवाई नहीं है कि दवाई लिया तो उसका फायदा हो जाएगा, ऐसा कोई दवाई नहीं है, मगर उनका काउंसिलिंग करना, साइकोथेरेपी, मास्टर जॉनसन टेक्निक, कुछ दवाइयां, ऐसा सब मिलकर उनका इलाज यदि किया तो दोनों भी अच्छा जीवन जी सकते हैं। इसमें गलत फहमियां डालने के लिए आप मेरा जो वीडियो है ये लोगों को शेयर कर सकते हैं, YouTube के ऊपर का चैनल को लाइक कर सकते हैं, Facebook को पेज के ऊपर आप जाके वहां भी आप पढ़ सकते हो, या हमारा वेबसाइट जो है उसको भी आप विजिट कर सकते हो। तो मिलेंगे दोबारा, थैंक यू वेरी मच, सी यू, बाय।